हेलो व्यूवर्स, कोविड पेंडेमिक के टाइम में टीचिंग को ऑनलाइन में इफेक्टिव रूप से करने के लिए सिस्को वेबएक्स, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे कुछ ऐप अवेलेबल हैं। इनकी सहायता से हम टीचिंग को इजीली और अच्छी तरह से प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को किस प्रकार से आप यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, ई लर्निंग का जो कंसेप्ट है, जिसमें देखिए ये सारे पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, डेवलप, एजुकेशन, ये सारे इसमें यूज होते हैं। इसका मेन मोटो जो है लर्निंग टूगेदर इवन वेन वी आर अपार्ट। लर्निंग टूगेदर इवन When we are apart, जब हम पास पास नहीं है, हम दूर हैं, दूर होने का एक कारण हमारे पास कोविड है या कुछ अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में इसको किस प्रकार यूज करें। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करने के लिए मोबाइल में अगर आपको करना है तो देखिए आप प्ले स्टोर पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखेंगे, इस प्रकार का आपका इंटरफेस अवेलेबल होगा, उसमें आप इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। फिर ये देखिए इंटर ईमेल, फोन और स्काइप और साइन इन या गेट हेल्प विद साइनिंग इन। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं हैं, तो आपको ये इस पर क्लिक करना है साइनिंग का और डायरेक्ट आप ज्वाइन मीटिंग भी कर सकते हैं अगर मीटिंग कोड आपके पास अवेलेबल है तो। ये साइन अप इसमें फ्री है और अगर आजकल ऑनलाइन के टाइम में काफी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, उन्होंने इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से एसोसिएशन करके, कोलेब्रेशन करके एक उनको आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। तो अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए आप जेएनवी से हैं, जेएनवी सिस्टम में इस बार बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और सभी बच्चों के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कराया गया, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो इसमें देखिए इंटर ईमेल, फोन और करेंगे, ये आपको आपका जो भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, जेएनवी की तरफ से या जिस स्कूल में आप हैं वहां से आपको दिया गया, वो आपको इसमें एंटर करना है। फिर देखिए ये आपके पास जो आप एंटर करोगे लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद इसमें देखिए पासवर्ड जो आपको दिया हुआ है वो इसमें एंटर कर देना है। इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं मोबाइल का इंटरफेस बता रहा हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ये देखिए असाइनमेंट्स, फाइल, नोट्स एंड मोर, ऑल योर क्लासरूम बेसिक्स आर हियर, इस पर नेक्स्ट करना है। फिर देखिए ये ग्रुप कन्वर्सेशन लिखा हुआ आएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है। ये देखिए ग्रुप कन्वर्सेशन से ऑनलाइन क्लास में आप हाथ खड़े कर रहे हैं, हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट वर्क के लिए, फिर इसमें आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर देखिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार अल्टीमेटली आपके पास ये मिलेगा स्टार्ट अ प्राइवेट चैट, ये आपके मोबाइल में देखिए अवेलेबल है। ये एक्टिविटी, चैट, असाइनमेंट, टीम्स और ये मोर, ये देखिए ये थ्री डॉट्स आपके पास है इनके ऊपर। यहाँ देखिए कि डीबी लिखा हुआ रहा है, ये मेरा आ रहा है। यहाँ आप अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और चैट जो आपका होगा, ये आपका मोबाइल का इंटरफेस हो। अब अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, कंप्यूटर में इस तरह से आपके पास आएगा लोडिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यहाँ वेट करें या रिफ्रेश न करें इस कंडीशन में। और फिर उसके बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, ये कंप्यूटर में मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। फिर आपको साइन इन आपको करना है जो भी आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस उससे। फिर देखिए ये साइन इन, सेम वही प्रोसेस है, साइन इन एड्रेस में ये साइन इन आप करेंगे, साइन अप। और उसके बाद देखिए ये आपको पासवर्ड आप डालेंगे, ये देखिए आपका जो भी ईमेल जो आपने डाला यहाँ आ जाएगा, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। पासवर्ड डालते वक्त ध्यान रखें कि इसमें यूजर आईडी ये है आपका 8 करेक्टर्स उसमें होने चाहिए मिनिमम, और उसमें अपर केस लेटर, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल ये सारे होने चाहिए, इसलिए ध्यान रखें ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं आए। और फिर आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, लेट डू दिस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपके पास इंटरफेस मिलेगा, देखिए मोबाइल और लैपटॉप सब में सेम ही इंटरफेस होगा। फिर आपके देखिए पास गॉट इट है, गॉट इट पर आपको क्लिक करना है। गोट इट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए नॉट श्योर व्हाट टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, इसमें आप गोट इट पे क्लिक करना है। अगेन क्लिक करने के बाद ये देखिए इंटरफेस आपको इस तरह से फाइनल इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस के बाद देखिए आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं, एक्टिविटी, चैट, असाइनमेंट, टीम्स, कैलेंडर, कॉल्स और फाइल्स, इसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर। टीम्स आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें मैं वन बाय वन सारी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं देखिए टीम्स पर आता हूँ। टीम्स पर आने पर ये जो 8 टैब्स है उसमें से मैं टीम्स के टैब ऑन करता हूँ।
इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है, ज्वाइन और क्रिएट टीम कर सकते हैं। आप एक क्रिएट टीम, आप अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं, और एक कोड है, जो कोड आप कैसे करते हैं आइडेंटिटी में बताता हूँ। कोड सेंड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ कोड डालने से उस टीम को ज्वाइन कर सकता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने एक डेमो क्लास की टीम को ज्वाइन किया, यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। इसकी टीम को मैनेज करना, एड चैनल, मेंबर, लीव द टीम, एडिट टीम, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किसी को क्लिक करने पर। देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये जो मेरे इसमें सारे पोस्ट हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है इसमें अवेलेबल है। देखिए अपलोड में क्लास मटेरियल है, सेटअप क्लास नोटबुक है, ये अटेंडेंस रिपोर्ट है, जो भी इसका सबसे अच्छा फीचर है अटेंडेंस रिपोर्ट। इसको आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास, ये देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। तो डाउनलोडिंग होने के बाद मैं फाइल सेक्शन में क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल सेक्शन में देखिए मेरे पास डाउनलोड में अवेलेबल है। ये अटेंडेंस है, देखिए मैं कुछ कोई से भी क्लिक करता हूँ, देखिए अटेंडेंस है, इस पर ओके करना। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही, देखिए ये अटेंडेंस है, जिसने किसने क्लास ज्वाइन की, कब उसने ज्वाइन किया और कितने मिनट तक या कितने टाइम तक अपने इसमें प्रेजेंट रहा। अभी उसका क्या रोल है, ऑर्गेनाइजर या स्टूडेंट है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है अटेंडेंस का। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस के बाद देखिए वापस आप इसी में टीम्स में जाते हैं। टीम्स में ये जो है फाइल्स के ऊपर, फाइल्स के ये जो सारे पॉइंट, फाइल में आप कोई सी भी फाइल है देखिए उसको अपलोड कर सकते हैं, न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं और इस लिंक को कॉपी करके आप भेज सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये फाइल है, ये मैंने एक फाइल अपलोड की है एक क्लास मटेरियल में। ये थ्री डॉट्स आपको दे रखे हैं, इन पर आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने में आपका दो ऑप्शन है, देखिए टीम्स में या किसी ओपन ऐप में कर सकते हैं, अलग ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। किन किन बच्चों ने आपको डाउनलोड किया वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, मूव, कॉपी, मोड, सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, फाइल्स के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद एक क्लास नोटबुक आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप दे सकते हैं। असाइनमेंट देने के लिए जैसे आपने असाइनमेंट, ये मैंने एक असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कितने बच्चों ने, वन में से एक किस, जब कितने बच्चों ने अटेंड किया वो आप यहाँ इससे इसको देख सकते हैं असाइनमेंट को। और इसकी ग्रेड है, ये ग्रेड भी आप इसकी असाइनमेंट के आप ग्रेड देख सकते हैं। अभी असाइनमेंट देखिए कैसे देते हैं। ये असाइनमेंट आपके पास है जिसे आपको क्रिएट करना है, तो ये असाइनमेंट में क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट पर आपके पास दो ऑप्शन है, असाइनमेंट और क्विज। तो जैसे मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, कैसे असाइनमेंट आप क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने डेमो क्लास के लिए क्रिएट करना है, इस पर जाएं, नेक्स्ट क्रिएट करें और नेक्स्ट के बाद आप जो भी एंटर है इसका नाम दे दें। जैसे मैं दे देता हूँ असाइनमेंट टू, ये मैंने असाइनमेंट टू नाम दे दिया। इंस्ट्रक्शन इसमें आप जो भी करते हैं, ऑल आर कंपल्सरी, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और ये डेट है, डेट आप देखिए असाइनमेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट को, स्लो लर्नर से हाई अचीवर्स को अलग अलग कर सकते हैं चाहें तो। ड्यू डेट है, ड्यू डेट आप इसको डेट को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 19 है, 22, 23, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद जब भी आता देखिए 11:59 का बाय डिफॉल्ट टाइम आएगा, इसके बाद आप इसको जो भी सबमिट करेगा उसको आप पता चल जाएगा। और ये आप उसमें पॉइंट दे सकते हैं, कितने पॉइंट का असाइनमेंट है। ये रूब्रिक्स है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप रूब्रिक भी इसमें दे सकते हैं, इसमें जो भी चाहे आप एडिट कर सकते हैं। ये आपको असाइनमेंट का ऑप्शन है, ये मैं इसको देखिए सेव कर देता हूँ, ये मैंने असाइनमेंट के ऑप्शन को सेव कर दिया है। अब मैं असाइनमेंट के बाद आता हूँ आपके पास, देखिए टीम्स के, वापस टीम पे चलते हैं। तो ये देखिए असाइनमेंट जो मैंने अभी दिया था, ये असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल हो गया, असाइनमेंट है ये, देखिए असाइनमेंट। और ये नोटिफिकेशन भी देखिए आपके पास आ गया, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन है। अब मैं जनरल पे वापस जाता हूँ, जनरल में देखिए क्लिक करें आप जनरल में, तो सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल वापस आ जाएगी डेमो क्लास की। ये डेमो क्लास में जो ये देखिए जनरल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए वन मैसेज आ गया आपके पास के व्यूज, आप अपना असाइनमेंट देख सकते हैं। ये अपनी जो भी न्यू कन्वर्सेशन होगी इसमें आ जाएगी। इस तरह से मैं इसमें क्विज भी दे सकता हूँ। ये जो थ्री डॉट्स हैं ये वही है डेमो क्लास के, जो मैंने पहले बता चुका, मैनेज टीम, आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। अब कैसे मैनेज टीम करते हैं देखिए, ये आपके पास है, ये आप ओनर है, ये दोनों आप जो भी चाहें तो ओनर कर सकते हैं। इनका टेक है देखिए, ये मैंने इसका टेक लगा दिया है, जो भी टेक है, जिसे मैं लिखता हूँ टीचर या मैथ्स टीचर, जो भी मैं लिख देता हूँ टीचर अंडरस्कोर मैथ्स, तो ये देखिए मैथ्स टीचर है। तो ये मैंने न्यू टेक क्रिएट कर दिया है। मैं जिस भी मेंबर को चाहूँ इसमें ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए देखिए आप सर्च ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, टीचर को सर्च कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। आपके पास जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आप जो भी अगर आपके पास है तो उसको अप्रूव कर सकते हैं। और
सेट अब मैं कोई बच्चा अगर कोड से ज्वाइन करता है तो उसको कोड कैसे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपके पास देखिए ये टीम कोड है, टीम कोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जनरेट जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो कोड है ये आपके पास जनरेट हो जाएगा। देखिए जनरेट ऑप्शन पर ये आपके पास एक देखिए कोड जनरेट हो गया 1FN9UVW। आप इसको कोड को रीसेट कर सकते हैं या वापस इसको रिमूव कर सकते हैं। कोड का ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा, बाकी उसमें रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी तो आपको परमिशन आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई दूसरी क्लास का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसलिए ये देखिए इसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसमें इतने सारे 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 ऑप्शन है, इनको आप क्लिक कर सकते हैं, इसका एनालिटिक आप देख सकते हैं, ऐप का जो भी इसमें ऐप आप खोल सकते हैं। इसमें टेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कोई सा भी, देखो मैंने टीचर मैस का टैग दिया है, आप इसमें टैग दे सकते हैं। तो ये देखिए डेमो क्लास के ऊपर है, तो ये जनरल मैंने सारा पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिया है। देखिए जो भी हमने किया ये सारा देखिए इसमें अवेलेबल है, पोस्ट है, फाइल है। अब देखिए ये थ्री डॉट्स हैं इधर, इनके ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखिए चैनल नोटिफिकेशन, मैनेज चैनल, गेट ईमेल एड्रेस, गेट लिंक टू चैनल, इसका आप ये लिंक है, लिंक भी आप कॉपी करके इसको कॉपी करके आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो जिस ग्रुप में शेयर करेंगे वो स्टूडेंट्स आपके क्या करेंगे उस पर ज्वाइन कर लेंगे। अब उसके बाद देखे आते हैं कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर में क्या होता है, जैसे आपको जब भी कोई अपनी क्लास की मीटिंग ऐड करनी, जैसे मैं 19th है, मैं 19th पे मीटिंग ऐड करता हूँ, जो भी मेरी क्लास का टाइटल है, जैसे मैंने रख दिया 10th, सब्जेक्ट आप देना चाहें तो मैंने जैसे दे दिया मैथ्स। अब उसके बाद जो भी 8 रिक्वायर्ड है अटेंडेंस आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 19 जून है, जो भी डेट और टाइम आप सेट कर सकते हैं, जैसे मैं 19 जो भी आ रहा है, टाइम और डेट जो भी 20 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ये देखिए इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा वेलकम टू क्लास 10, इसमें एक बार वापस देखिए, जैसे ये आपके पास है, इसमें ये आपके पास ऑप्शन सबसे अच्छा है डज नॉट रिपीट। इसमें आप देखिए अगर आपकी डेली क्लास है तो डेली कर सकते हैं, वीकली तो वीकली, मंथली, ईयरली, कस्टम, कस्टम में आप जो भी देना चाहेंगे, रिपीट एवरी डे या थ्राइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, सेलेक्ट डेट, आप ऐसा जो भी चाहें इसको कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज कैंसिल लोकेशन, जैसे मैं कर सकता हूँ JNV राजसमंद, तो जो भी आप अपनी लोकेशन है, JN आपकी स्कूल का नाम, कोई सा भी आपकी स्कूल का नाम है वो आप इसमें दे सकते हैं, आपकी स्कूल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आप लोकेशन देना चाहते हैं, ये इसके सारे देखे फीचर है। किसी को बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन, अंडरस्कोर, ये सारे फंक्शन है जो एलिजिबल फंक्शन होते हैं, ये मीटिंग्स के इसमें काम में ले सकते हैं आप मीटिंग्स के बाद। अब कैलेंडर के बाद देखिए हम कॉल्स पर जाते हैं, ये इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये देखिए कॉल्स का, इसमें आप जो इसका भी नेम है, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा है तो ए जो भी उसमें रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे उनको आप कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल का पता चल सकता है, इनकमिंग कौन से उसका पता चल सकता है, आप इसमें स्पीड डायल भी कर सकते हैं, ये आपके पास कॉल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया फाइल में आपकी अटेंडेंस है, इस फाइल का अटेंडेंस आप डाउनलोड इसका देख सकते हैं, किसी भी डेट की अटेंडेंस अगर आपको देखनी है तो आप इसमें देख सकते हैं। ये चैट है, चैट के अंदर आप देखिए चैट जिसके पास भी आपने चैट किया है, आप जितने भी कॉन्टेक्ट है उसके चैट को आप देख सकते हैं, आपके ऐसे ऑप्शन है। और एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास जितना भी आपका पूरा है ये देखिए सारा सारा इसमें अवेलेबल है। वेलकम टू डेमो क्लास से ये देखिए सारा असाइनमेंट कौन सा दिया, मैंने क्या दिया, न्यू कन्वर्सेशन कोई भी है और कौन कौन सा किसको मैंने ऐड किया, तो सारे पॉइंट देखिए जनरल, पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट और ग्रेड, और ये 8 टैब आपके पास देखिए अवेलेबल है NVS लर्निंग टीम्स में। इस प्रकार एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।